नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ आस्था चौहान और आइए रुक करते हैं अभी की ताजा खबरों की तरफ। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सपाक्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल त्रिवेदी इंदौर की सीटों को खंगालने के उद्देश्य से इंदौर पहुंचे। इस दौरान वे समाज के अलग अलग प्रतिनिधियों से और मीडिया से भी रूबरू हुए। सपाक्स ने पहले सवर्ण राजनीति एट्रोसिटी एक्ट को लेकर शुरू की थी, जिसमें सपाक्स को काफी सफलता मिली थी। सपाक्स ने प्रदेश भर की 230 सीटों पर अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव और नामांकन की तिथियां दोनों ही करीब है। इसी तैयारियों को लेकर सपाक्स के राष्ट्रीय हीरालाल त्रिवेदी इंदौर पहुंचे और मीडिया से रूबरू हुए। अभय प्रशाल के होलकर ज्ञान मंडप में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी के जिलाध्यक्ष अभिभाषक जगदीश जोशी और सचिव अभय कुमार भी मौजूद रहे। इस मौके पर सपाक्स पार्टी ने अपने महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सरकारों ने संविधान की मूल भावना के विपरीत जाकर कानून और नियमों में संशोधन किए हैं। राजनीतिक दल वोट की लालसा में अंधे बहरे हो गए हैं। एट्रोसिटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए संशोधन और पदोन्नति में आरक्षण जैसे संवेदनशील विषयों पर सरकार किसी भी बात को सुनने को तैयार नहीं है। इसके अलावा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई विषयों पर चर्चा की गई। देखिए, इस प्रदेश में बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ी है और उसका मुख्य कारण ये है कि सरकार ने विशेष भर्ती अभियान चलाए और पहले पदोन्नति में आरक्षण दिया, पद खाली हुए विशेष भर्ती अभियान से भर्ती करी और वित्तीय क्राइसिस बता के सामान्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों की भर्ती नहीं करी इस प्रदेश में। इसलिए आज 1.5 लाख से अधिक पद खाली हैं और उन पदों पे हम भर्ती करेंगे और जो अभी भर्तियाँ जितनी रुकी हुई है उन सबको हम सत्ता में आते ही एडवर्टाइज करेंगे ताकि जो बेरोजगार युवा हैं इस प्रदेश के उनको रोजगारी मिल सके। दूसरा, हम जो रोजगार स्कीम अभी केंद्र और राज्य दोनों ने लॉन्च कर रखी है वो जाति के आधार पर, हम रोजगार स्कीम ऐसी लॉन्च करेंगे कि यदि कोई लाभ देना है तो आर्थिक आधार पर गरीबों को देंगे, अन्यथा एक ओपन स्कीम लॉन्च करेंगे ताकि यहाँ के जो बेरोजगार हैं उनको सही लाभ मिल सके। रात में पुलिस की गश्त में कम होने से चोर चोरी करने में सफल हो रहे हैं। मंदसौर जिले के सुवासरा में रात को चोरों ने नया बस स्टैंड रोड पर चार दुकानों पर चोरी का प्रयास किया। इसमें से दो दुकानों में चोरी करने में वे सफल हो गए, जबकि दो दुकानों में वे सफल नहीं हो पाए। सबसे पहले चोरों ने एक लोहे के व्यापारी के यहाँ हाथ साफ किया। इसके बाद एक बर्तन व्यापारी की दुकान की छत का दरवाजा तोड़कर चोरों ने दुकान में प्रवेश किया। फिर चोर एक कपड़े की दुकान में दाखिल हुए। इसके बाद एक और दुकान से इन्हें निराशा हाथ लगी। इनमें से दो दुकानों से चोर नकदी और 10 चांदी के सिक्के ले उड़े। पूर्व में भी कई बार सुवासरा में चोरी की घटनाएं और चोरी के प्रयास के मामले सामने आ चुके हैं। पुलिस की रात्रि गश्त कम होने के कारण चोर चोरी करने में सफल हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। पीलीभीत की तहसील अमरिया के उदयपुर माफी गांव में एक मजार की दीवार गिरने से 5 बच्चे दब गए। इस हादसे में 4 साल की बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 4 बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। बच्चों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीलीभीत की तहसील उमरिया के उदयपुर माफी गांव के मोहल्ला कुरैशी में मजार के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। अचानक मजार की 5 फीट की दीवार उन बच्चों पर गिर गई, जिसमें रियाजुद्दीन की 4 साल की बच्ची बफी की दबकर मौत हो गई। वहीं गुलिस्ता नाम की बच्ची का पैर फ्रैक्चर हो गया और अन्य बच्चों को भी गंभीर चोट आई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस अधिकारी और राजस्व की टीम के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। पीलीभीत से ऋतिक द्विवेदी की रिपोर्ट। छोटे छोटे बच्चे सब पहुँच गए वहाँ, एक लड़की जवान थी वो फाता दिला रही थी, तो अचानक से हादसा हुआ, दीवार गिरी, ये बच्चे दब गए नीचे। तो एक बच्चे की डेथ भी हो गई, एक बच्चा ख़त्म हो गया, उसमें निकाल हो गया उसका। तो कितने लोग घायल हो गए इसमें? इसमें 6 लोग घायल हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे, कुछ किसी कम चोट लगी है, एक तो इंतकाल हो गया, ख़त्म हो गई, एक का सर फटा बेटे का, उसी के बराबर का था, उसके 12 टांके आए, एक जवान लड़की जिसकी टांग टूटी, 3 जगह से बता रहे हैं टांग टूटी उसकी, और छोटे छोटे बच्चों किसी पैर में चोट लगी है, किसी सर में लगी है।
रायसेन से भोपाल जाते समय एक कार में अचानक आग लग गई, जिससे पूरी कार जलकर राख हो गई। ये तो गनीमत रही कि परिवार के सभी सदस्य कार से बाहर निकल आए, नहीं तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। भोपाल में रहने वाले गणेश विश्वकर्मा अपने परिवार के साथ खंडेरा वाली माता के दर्शन करके रायसेन से भोपाल लौट रहे थे। इसी दौरान कुशियारी के पास उनकी कार में आग लग गई। समय रहते परिवार के सभी सदस्य और गणेश विश्वकर्मा कार से बाहर निकल आए, नहीं तो बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी। देखते ही देखते पूरी कार जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने जलती कार की आग पर काबू पाया। कार में 9 लोग सवार थे, जो सकुशल हैं। रायसेन से तारिक खान की रिपोर्ट। अगले 2 महीनों से विधानसभा चुनाव शुरू होना है, इससे लेकर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इच्छावर में अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कहा था कि इच्छावर विकास के मामले में 5 साल पीछे हो गया है। इसी के साथ इच्छावर के विकास के अन्य मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधायक शैलेंद्र पटेल से हमारे संवाददाता ने की खास बातचीत। देश में विधानसभा चुनाव को लेकर 230 विधानसभा चुनाव सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है, इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं इछावर विधानसभा। और इछावर विधानसभा से हमारे साथ कांग्रेस के विधायक शैलेंद्र पटेल जी मौजूद है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, नमस्कार। सर, अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन आशीर्वाद यात्रा में इछावर को 5 साल पीछे बताया, इसी को लेकर आप क्या कहेंगे? आप ये बताइए कि मध्य प्रदेश का मुखिया कौन है? मुखिया शिवराज सिंह चौहान। क्या कोई क्षेत्र अगर पीछे रह जाता है तो मुख्यमंत्री जी की जवाबदारी नहीं होती? एक विधायक होने के नाते जो तमाम प्रयास करने थे वो तमाम प्रयास हमने किए, लेकिन विडंबना देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के कदम इछावर में नहीं पड़े। और इछावर विधानसभा में जब आए, जब आचार संहिता लग गई, खाली झोली लेकर आए, कोई घोषणा वो कर नहीं सकते क्या? ये उनका एक तरीके से किसी के साथ उचित व्यवहार है? हम तो उनके पड़ोसी हैं, वो पड़ोसी होने के नाते उनका फर्ज बनता था कि इछावर के विकास के लिए तमाम योजनाएं जो प्रस्ताव हमने भेजे थे उनको वो मंजूर देते करते, लेकिन कहीं न कहीं दुर्भावना स्वरूप कहीं न कहीं सरकार ने उन सब निर्णय को नहीं लिया और इछावर के जो विकास जो हमने भी सोचा था वो पहिया कहीं न कहीं रुका। लेकिन यूं देखा जाए तो जब मैं प्रश्न लगाता हूं विधानसभा में तो सरकार जवाब देती कि हजारों करोड़ के काम हो गए, और यूं कहती कि पीछे रह गए। तो वही तो पहले हमको ही नहीं समझ में आ रहा कि वो किस तरीके से किसी बात का उत्तर प्रत्युत्तर दें, क्या काम हुआ या नहीं हुआ। जब प्रश्न लगते हैं तो बोले हजारों के करोड़ के काम हो गए, और जब भाषण देने आते हैं तो बोले पीछे रह गया। तो पहले आपको निर्णय कर ले कि आपको कहना क्या है। जी बिल्कुल सर, अगर आप पुनः विधानसभा चुनाव में अगर विधायक पुनः चुने जाते हैं तो इछावर विधानसभा में कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जो विकास कार्य होंगे इछावर विधानसभा? निश्चित रूप से जो सबसे पहला मुद्दा है हमारे क्षेत्र किसानों का क्षेत्र है। जी, सिंचाई की आवश्यकता है। नर्मदा पार्वती लिंक परियोजना मंजूर हुई है और उसके लिए तमाम प्रयास जो हम कर सकते हैं पिछले 4 सालों में वो हमने किया। प्रश्न लगाने के अलावा मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के लिए हम चीफा ने सर गए। प्रधानमंत्री जी जब आए थे तो मैंने सबसे पहले प्रपोजल बना के उनको दिया था कि इछावर क्षेत्र के लिए एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, वहां पर सिंचाई की योजना होना चाहिए। तो सिंचाई हमारा पहला मुद्दा है। दूसरा, गिरती हुई शिक्षा, क्योंकि हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूट हैं सरकार की कहीं न कहीं उदासीन है। हमारे इछावर कॉलेज में आज भी साइंस में 1984 का कॉलेज है, कई बार मेरे प्रश्न लगाने के बाद वो आज तक उसको पूरा नहीं कर पाए। हमारा हॉस्पिटल आज भी 30 बेड का है, जबकि छोटी छोटी जगह के बुद्धनी रसुल्लागंज में हॉस्पिटल का उन्नयन हो गया, मरीज सबसे ज्यादा इछावर में उन्नयन होता बुद्धनी रसुल्लागंज का। जब मुखिया ही ऐसा करेगा, वो अगर प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट नहीं करे तो कहीं न कहीं क्षेत्र का विकास रुकेगा। और सबसे बड़ी बात, युवाओं को रोजगार। ये सरकार ऐसी थी कि करोड़ों अरबों रुपए के एमओयू साइन हो गए लेकिन मूर्त रूप एक भी नहीं दे पाए। जब ये मुझ पे इल्जाम लगाते हैं कि इछावर में कांग्रेस विधायक होने के नाते उद्योग नहीं आए, मेरा आपसे आपके माध्यम से उनसे प्रश्न है कि माननीय आस्था विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सीनियर विधायक हैं, पिछले 5 साल में वहां कौन कौन से उद्योग आए? जो उद्योग आए वो पहले आए थे, पिछले 5 साल में तो एक भी उद्योग नहीं आया। माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि बुद्धनी रसुल्लागंज क्षेत्र के हैं, हमारे से लगा हुआ क्षेत्र है, पिछले 5 साल में वहां कौन सा उद्योग आया? जो उद्योग आए वो भी पहले का है। कहीं ना कहीं सरकार भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त थी कि कोई भी उद्योग खाने के लोग यहाँ पर उद्योग लगाने नहीं आए और युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाए। दूसरी ओर जो उद्योग लगे हुए थे वो धीरे धीरे वो सब बंद हो गए। बिल्कुल, पूरे प्रदेश में ये हालत है कि यूनिट सिक होती जा रही है और उद्योग कहीं ना कहीं बंद होते जा रहे हैं। तो ये सरकार उद्योग नहीं देता है। सबसे पहले रोजगार, मुझे कुछ गणित समझ में नहीं आ रहा।
जी बिल्कुल। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के विधायक, जिन्हें पूरी बताई कि कौन कौन से मुद्दे इछावर विधान कौन कौन से विकास कार्य इछावर विधानसभा में होने थे। इछावर से रामबाबू वर्मा की रिपोर्ट, कैमरामैन नितेश के साथ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।